नमस्कार, मैं भारती झा और आप देख रहे हैं फैक्ट इंडिया स्पोर्ट्स। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का डिस्क्रिप्शन करते समय केयर फ्री वर्ड का यूज अक्सर किया जाता है। सलामी बल्लेबाज आंखों पर इतना आसान है कि जब वह आउट हो जाता है तो लोग उसे आलसी कहते हैं। मुंबई का क्रिकेटर खेल के सभी फॉर्मेट्स में शतक बनाने वाले बहुत कम क्रिकेटरों में से एक वर्ल्ड कप 2023 के आने के साथ बल्लेबाज उस संख्या का इजाफा कर सकते हैं। रोहित शर्मा के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 44 सेंचुरी है। इस सलामी बल्लेबाज ने अपने 16 साल के करियर में कुल 471 पारियां खेली है और उनका एवरेज 43.13 का है। खेल के सबसे लंबे प्रारूप में रोहित के नाम 10 शतक हैं। उन्होंने 52 मैचों में 3677 रन बनाए हैं और उनका औसत 46.54 का है। रोहित ने 50 ओवर के क्रिकेट में 30 शतक लगाए हैं। दाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज एक दिवसीय मैचों के सर्वाधिक शतक के सर्वकालिक सूची में दो अन्य भारतीय महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के बाद तीसरे स्थान पर हैं। क्रिकेट के इतिहास में किसी ना भी खेल के सबसे छोटे प्रारूप में रोहित शर्मा से ज़्यादा शतक नहीं बनाए हैं। जब T20 में सर्वाधिक शतक की बात आती है तो भारतीय कप्तान विराट कोहली, एवी डिविलियर्स और क्रिस गेल जैसे खिलाड़ियों को पछाड़ देते हैं। 140 पारियों में 4 शतक के साथ रोहित T20 में सर्वाधिक शतक की सूची में शीर्ष पर हैं। वह T20 में सर्वाधिक रनों की सूची में 3853 रनों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। टीम के साथ ही विराट कोहली से पीछे जिनके 4008 रन हैं। और भी स्पोर्ट्स से जुड़ी अपडेट के लिए देखते रहिए फैक्ट इंडिया स्पोर्ट्स।